Biz appointment. Good you coffee late. Tasty and affordable round the clock. Ho pyar ka izhar karna. Ya phir ho pet bharna. Mauj masti ka mood ho. Ho doston ko khush karna. Zindagi ko jee le. Good you coffee late. Biz appointment. Kangor. For delicious moments. नागौर के बहुचर्चित पोषाहार घोटाला मामले में रविवार को एसीबी ने अजमेर की स्पेशल कोर्ट ने 29,062 पेज की चार्जशीट पेश की। यह चार्जशीट तत्कालीन उप निदेशक उषा रानी और अन्य तीन ठेकेदारों के खिलाफ पेश की गई है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तारीख तय की है। इस मामले में एसीबी के जांच अधिकारी सीपी शर्मा के अनुसार मामले की जानकारी मिलने के बाद एसीबी ने 11 स्थानों पर रेड की थी, जिनमें से एक ठेकेदार के यहाँ 51 लाख रूपए की नकदी जबकि उषा रानी के आवास पर 40,000 की नकदी बरामद हुई। करोड़ों रूपए के घोटाले में कुछ अन्य आरोपी भी शामिल है, जिनके खिलाफ फिलहाल जाँच की जा रही है। यह दावा किया जा रहा है कि यह पूरा घोटाला राजस्थान में बड़ा घोटाला है, जिसमें कई प्रभावशालियों के नाम सामने आ रहे हैं। देखिए, 31 जुलाई को जो है एसीबी मुख्यालय द्वारा सर्विलेंस के आधार पर एफआईआर दर्ज किया जाकर कोर्ट से वारंट प्राप्त किया जाकर नागौर में 11 स्थानों पर रेड की गई थी। रेड के बाद में चार व्यक्तियों, जिसमें एक तो तत्कालीन डीडी जो है श्रीमती उषा रानी और तीन जो ठेकेदार हैं, प्रमुख ठेकेदार थे, उनको जो है उनके यहाँ सर्च करके उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उषा रानी के कब्जे से 40,000 रुपये रिश्वती राशि के बरामद किए गए थे। साथ में कई पोषाहार संबंधी जो है से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट और जो वस्तुएं थी वो जब्त की थी। और एक प्रमुख ठेकेदार हरी सिंह के कब्जे से 51 लाख रुपये जो है एसीबी ने तब जब्त किए थे। उसी के अनुक्रम में आज जो है एसीबी द्वारा जो है अनुसंधान करके इन चारों व्यक्तियों के खिलाफ चालान पेश किया गया है। चालान की जो मूल प्रतियां हैं वो 29,062 प्रतियों में जो है चालान पेश किया गया है। इसके अलावा जो अभियुक्तों को और इनको कॉपी देने के लिए करीब 2.25 लाख जेरोक्स जो है एसीबी द्वारा की गई है। इसमें इन चार व्यक्तियों के अलावा एफआईआर के जो शेष व्यक्ति हैं और अन्य इसके अलावा और भी अन्य व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ अनुसंधान पेंडिंग रखा गया है। इसका मतलब उनके खिलाफ जो है बाद में अनुसंधान करके और प्रत्यक्ष से उनके खिलाफ भी यदि कोई अपराध बनता है तो चार्जशीट पेश की जाएगी। इसमें न्यायालय ने अभी चेक में रखा है इस चार्जशीट को और 3 नवंबर इसमें डेट दी है। तो इसमें जो अक्यूज पेश हुए हैं चार उषा रानी के अलावा उनके नाम, जो इसमें जो तत्कालीन डीडी जो उषा रानी है उनके अलावा एक प्रमुख ठेकेदार श्री हरी सिंह है, एक जो है मिस्टर जो है बेंदा है और एक मिस्टर दायमा है। सभी नागौर के हैं? सभी नागौर के हैं और इसमें ये ज़्यादातर डेगाना और मकराना एरिया में जो है भैया लाइट बंद करो ना। अक्यूज कब से जेल में है? अक्यूज को लगभग आज 85 करीब दिन हो गए, करीब इनको जो है लगातार ये जेल में जुलाई 2017 जो ये लगातार 2018 क्योंकि 90 डेज में हमें चालान पेश करना होता है तो इनके खिलाफ चालान पेश किया जा चुका है। इसमें और कितने अक्यूज और इसमें अक्यूज, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन इस हिसाब से है क्योंकि जो हमने इन्वेस्टिगेशन का जो परिव्यू जो रखा है उसमें लगभग चार जो है परियोजना, जिनको बोलते हैं लगभग एसडीएम हेडक्वार्टर मान लें, जो चार परियोजना है उनको हमने इस जांच की परिव्यू में रखा है और उसमें लगभग 500 जो है आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो इसकी पूरी जाँच की उसमें है और लगभग इसमें 100 या 150 स्वयं सहायता समूह हैं जो जाँच के केंद्र में हैं। तो इस हिसाब से अगर इन सबसे अनुसंधान किया जाएगा तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा और उसमें एक्यूज भी काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। एरिया सारा अप टू नागौर है? हमने एरिया वो लिया है जिनमें ये ठेकेदार ऑपरेट करते थे, जो जहाँ जहाँ ये ठेकेदार सप्लाई करते थे उनको हमने जांच के परिव्यू में। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।